क्योंकि प्रशासन ने ढिल की तरफ देखा मुझे ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। किसी प्राइवेट स्कूल वाले ने कल ही किसी कबाड़िए से एक पुराना पुरानी मरुति वैन खरीदी थी और उसके अंदर आज इस स्कूल के प्राइवेट स्कूल के ये बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, जिसको जिस मरुति वैन को पीछे से आग लग गई। ना तो वो वैन रजिस्टर्ड है, ना वो वैन, क्योंकि वो कबाड़ी से खरीदी गई है तो वो 20-22 साल पुरानी है। उसके इंजन में क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई ये तो अभी वक्त बताएगा, बट लेकिन 4 नौजवान बच्चे उस आग की लपेट के अंदर फंस गए और 4 बच्चों की जान चली गई। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की कोशिश मालिक को, प्रिंसिपल को पकड़ने की, और जो जो लोग की लापरवाही है उनके ऊपर सख्त कदम लेने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से कारगुजारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से एक जुडिशल कमीशन की बात की है ताकि इस मामले की तहकीकात तक जाया जा सके, नीचे तक जाकर इसकी कार्रवाई हो, और बच्चों के परिवारों को जो कॉम्पनसेशन की बात है वो उसके लिए भी सरकार पाबंद है। जिनके कोई चोट लगी है उनका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके उसके लिए भी सरकार पाबंद है, और हम सब लोग यहाँ पर परिवार के साथियों के साथ बात करने के लिए हाजिर हैं कि क्या किस प्रकार से और सहायता परिवार को चाहिए उसके लिए पूरी सरकार, जो भी पॉलिसी है सरकार की उसके हिसाब से इस परिवार को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन देने की भी हमने बात की है, क्योंकि परिवार के लोग अभी अपने बाकी परिवार के साथियों से बात कर रहे हैं और जब उसके ऊपर फैसला हो जाएगा, सरकार की तरफ से इस बात की तसल्ली दी गई है परिवार को कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई स्कूल और उसकी मैनेजमेंट और स्टाफ के ऊपर करने की जरूरत होगी, जहाँ जहाँ पर लापरवाही होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कौन कौन से कौन कितने बच्चे, क्या लड़कियाँ हैं, क्या जानकारी? 2 लड़कियाँ, 2 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, और सभी 5-5 साल लगभग उनकी उम्र है, 5 साल 6 साल अलग अलग उम्र है, और सभी उसमें से 3 बच्चे एक ही परिवार, बड़े परिवार के अंदर से एक ही 3 बच्चे आते हैं और एक बच्चा दूसरे परिवार से है। और मैं विश्वास से परिवार को भी इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं और समाज के अंदर भी ये बात जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे करेगी जिनकी लापरवाही। बहुत से स्कूलों में ऐसे व्हीकल चल रहे हैं इलीगल रूप में। मैंने पहले ही कहा कि जैसे अगर एक व्हीकल की म्याद 15 साल है, 15 साल के बाद कोई भी व्हीकल किसी भी स्कूल में चल रहा होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर इसके अंदर पहले कोई कमजोरी रही है, कोई लापरवाही रही है उसके अंदर जिन अफसरों की रही है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मुढ़ले तौर दे उत्ते कोई ऐलान किया गया जी? हाँ जी, मुढ़ले तौर दे उत्ते कोई कंपनसेशन का ऐलान किया गया जी? मैं दस्या कि असी परिवार नाल गल कर रहे हैं, इहदी इक पॉलिसी हुंदी है कि जिहड़े जिहड़े परिवारां दे कोई ऐसे हादसे हो जांदे आ उहनां नूं कंपनसेशन सरकार दिंदी है। जो कंपनसेशन पहलां सरकार ने दित्ती होईगी होई है उस तों वध कंपनसेशन देवांगे जिन्ना भी असी कर सकांगे, क्योंकि ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਦਸਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
मासूम जिन्होंने उन्होंने भविख के बहुत बड़े अफसर ज बहुत बड़े बंदे बनाने के सुपने लाए सी अज सुपने जोड़े ने सारे तरे तराए रह गए प्रशासनिक ढिल की समझने होंगे कि वैन है जी हालत ही नहीं मैं डी सी साहब ने गल की एस एस पी साहब ने भी गल की है कि ड्राइवर जोड़ा वो भज गया शायद जो ड्राइवर थोड़ी जी कोशिश पहल कर लेंदा तो बच्चों बचाया जा सकता सी जदों तक लोग आए खेतों के उदों तक चार बच्चे जोड़े जिन्हों डेड बॉडियां देख रहे जा चुके थे प्रिंसीपल स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन हैड स्कूल का यदा मालक तो ड्राइवर उन्होंने सख्त तो सख्त जो भी सब तो वह धारावं जो सख्त तो सख्त ने उन्होंने खिलाफ़ परचा होना चाहिए था कि भविख के पहली करना नहीं हैगी पहले अमृतसर एक बैन डिगी ये स्कूलों वाले जोड़े व्यापारी बन गए ये पैसे कमाने के चक्कर ये पैसे बचाने के चक्कर माड़िया गड्डिया हायर करते हैं माड़ी तो माड़ी तो अनट्रेन ड्राइवर जोड़े तनखाह घट लेंगे उन्होंने हायर करते हैं सो ये कितने ना कि लालच के निकलिया हुआ घटना घटना मान साहब हम तुम की कह रहे हो सारी घटना लैके भी की मांग करते हो कि देखो डी सी साहब खड़े ने मेरे एस एस पी साहब खड़े ने तो मैं हूँ ही अजे आया मैं यही गल की है कि सख्त तो सख्त आराम ला के मैसेज एक दिन जाना चाहिए वैन का ड्राइवर वैन का मालक स्कूल का प्रिंसीपल तो स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन का हैड जिन्ह ने यहोजी वैन चलाने वास्ते अलाउ किया तो वैन किन्ने चिर तो एक्सपायर से कदों यदी जी चैकिंग हुई सी कि सड़क पर तुरंत काबिल है या ना अग लगन के कारण की ने तो बाद पता लगेगा जाँच का विषय पर मैं इस घटना परसनली फॉलो करूँगा तो मैं शर्मनाक घटना कहूँगा जूल बस के इंसीडेंट होया लौंगोवाल सिमरन स्कूल हाँ जी उस तो माड़ी घटना कोई हो नहीं सकती इस तो दर्दनाक घटना कोई नहीं हो सकती है इतने असं पहुंच के यदि जी प्रिलिमिनरी इनफॉर्मेशन साढ़े को आई है तो एक तो एस एस पी साहब नूं असीं कहा भी 304 का परचा दिता जाए इमीजिएटली स्कूल के प्रिंसिपल के उत्ते स्कूल मैनेजमेंट के उत्ते जेडे इतने ड्राइवर है तो यदी गड्डी की जी असी चैक कराए हैं मैं आर टी ने प्रिलिमिनरी आ दसया गया है कि ये गड्डी ये स्कूल मैनेजमेंट ने हुणे ही कोई ही जी कंडम की हुई गड्डी सी जी रोड वर्दी नहीं सी वो इन्होंने इलीगल तरीके नाल चलाई है जेडे आर टी दस रहे हैं तो जेकर एक घटनाक्रम सामने आता है साढ़े तो उस बेसिस से वो धारावं सारे उनके ऐड की जाऊगी तो जेकर कोई आर टी ऑफिशियल भी यदि कोई लगी भी किसी इन्हों रोड वर्दीनैस देने किसी का रोल है तो उस ऑफिशियल भी चार्जशीट किया जाऊगा तो डिसमिस कराने की कार्रवाई ये की जाऊगी तो बाकी जिदा जिदा डिटेल दे मैं यही बाकी आस करता सारी मेडिकल सहूलत जिन्हें है वो गवर्नमेंट एक्सग्रेशिया देगी तो होर भी असी पेरेंट्स नाल डिस्कस करांगे भी उन्होंने जिदे भी कोई गवर्नमेंट की हेल्प की लोड़ है किसी होर तरीके नाल तो वो भी गवर्नमेंट के नाल टिकअप करांगे कितने बच्चे जख्मी दसे जा रहे हैं तो उन्होंने हुण स्टेटस की है जी जी टोटल सानू दसया गया भी टोटल ये 12 बच्चे सीगे तो जदों अग लगी गड्डी दे विच तां 8 बच्चों इवैकुएट कर लिया गया उस तो बाद अग वध गई सी तो 4 बच्चों इवैकुएट नहीं किया गया बट जी साढ़े को प्रिलिमिनरी इनफॉर्मेशन आई उस मुताबिक बाकी 8 बच्चों दे आर ऑल सेफ तो उन्होंने किसी भी मेजर इंजरी नहीं है जी इनफॉर्मेशन हुण तक साढ़े को जो वैन का ड्राइवर सी जी उस बारे की पता लगे जी जिहड़ा इस टाइम वैन का ड्राइवर का जिहड़ा दस रहा कि वो एब्सकॉन्डिंग है पर उन्हें असी जल्दी फड़ लाँगे सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही मनभागी घटना जी हुई है तो ये किसी भी बंदे ने जो वीरवार नहीं कटा जाएगा सब तो जरा है दर्ज किया जा रहा है तो ये स्कूल के प्रिंसीपल ड्राइवर जेडे स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन हैड जेडे इन वैन के जेडे इंचार्ज ने वैन के जेडे ओनर ने वो सारे से सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी तो सर सारे कानून लेके जा आया जाएगा ताकि दोबारा ये घटना नहीं किया जाएगा किसी काबू भी किया गया हाले तक एक मिनट हजे तक नहीं जी हजे तक सारी कार्रवाई जी चलती पी है रेट इमीजिएटली अभी शुरू कराती हैं तो सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी करना चाहवागा क्योंकि इस मुद्दे उत्ते सीएम ऑफिस नूं मैं ब्रीफ कर दिता है तो सीएम साहब वालों मैजिस्ट्रियल प्रोब की भी ये अनाउंसमेंट होनी है वो मैजिस्ट्रियल प्रोब किस लैवल पर की जाऊगी भावें उस डिविजनल कमिश्नर साहब नूं अख्तियार दिए जाण या एडीसी जनरल वो ऑर्डर अवेटेड है बट इस पूरे हादसे की मैजिस्ट्रियल प्रोब भी की जाऊगी जी सर एक स्कूल काफ़ी जिले के ऐसे स्कूल ने जिहड़े बिना एफिलिएशन तो जां बिना आरटीई की मान्यता तो बिना चल रहे हैं स्कूलों के बहना उन्होंने कंडम है पर हजे तक कोई कार्रवाई नहीं की जबकि कंप्लेट भी कई बार थोड़े को पहुँच गई जी देखो ये तुम देखोगे कि जिन्ना वध तो वध सेफ स्कूल वाहन स्कीम के अंडर
RTA ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਆਫ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ RTA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ GGA ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਬੈਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਔਨ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਾ ਤੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ 25/19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਜ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ PB11A ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੁਗਾਈ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹੇ ਵੈਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰੋਡ ਚਲਾ ਤੀ। ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਨ ਰੋਡ ਚਲਾ ਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ? ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਪਾਊਂਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ MBA ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ TV ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।